हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने ना थोड़ा ऑफ़ ले लिया है। पता होगा आपको, मैं जहाँ थेरेपी लेने जाती हूँ ना, वहाँ का मैंने ऑफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं ना बहुत टायर्ड फील कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं अच्छा फील करूँगी। तो आज मैं घर पे हूँ, तो आज मेरी रूटीन क्या रहती है आपको दिखती रहेंगी। आपको पता है पंजाब में किसानों का आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया है। मेरी मदर इन लॉ गई हुई थी ना, वो इस वजह से आ नहीं पाई, उनकी टिकट हो रखी थी ट्रेन की, तो वो ट्रेन के लिए गए जो टाइमिंग था उनका, तो वहाँ पे उनको बोल दिया कि ट्रेनें बंद हो गई हैं, तो कैंसिल हो गई उनकी टिकट, फिर वो आ नहीं पाए। ये 2 दिन पहले की बात है। तो अचानक से आज मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया कि मैं बस में बैठ गई हूँ, तो अब वो बैठ गए हैं, तो वो आफ्टरनून तक पहुँच जाएंगी, फिर मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मदर इन लॉ से। अंधी उठ गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए दूध बना देती हूँ। उठते ही ना दूध पीती है। ऐसे पूरी आंखें ऐसे खोल के देख रही है, मम्मा ही हाँ जी बेटा, मम्मा ही है। गुड मॉर्निंग बेटा। जय गुरु जी। मेरा बच्चा उठी उठी कर ली ना तू? प्यार कर रहा मम्मा को है सच्ची में? नानू की मम्मा है यार। मैंने एक हफ्ते बाद हेड वॉश किया है, आपको पता ही होगा एक हफ्ते बाद कैसे बाल हो जाते हैं, इतने मैसी हो जाते हैं। तो अब मुझे वॉश करके इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा फील हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यूज़ क्या किया। वैसे एक बात और, आफ्टर शैम्पू आप ये मास्क यूज़ करना, इसका नाम है लॉरियल लिस अनलिमिटेड, ठीक है? और ये चीज़ याद रखना है, पर्पल कलर का है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, गोल्डन, वाइट, तो आप ये वाला लेना, ठीक है? इससे आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे। मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर रही, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है? पार्सल आया, मैं आपको दिखाती हूँ भी। OTP 1000। और इस पार्सल के चक्कर में देखना क्या हो गया, मेरी रोटी सड़ गई। ओहो यार, मैंने फर्स्ट टाइम बंद गोभी आलू मटर की सब्जी बनाई है, खा के देखते हैं कैसी बनी है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से सही बनी है वैसे। मम्मी जी को तो टाइम लगेगा आधा पौना घंटा, लेकिन सही है यार, थोड़ा पहले ही निकल जाओ, है ना? ऐसा ना हो बेचारे, एक तो ठंड इतनी है कि खड़े रहें, ठंड में खड़े रहें, इससे बढ़िया पहले पहुंच जाओ। ये है भाई दिल्ली का बाईपास, यहीं कहीं आएगी बस, जहाँ से मम्मी को लेना वो देखता हूँ मैं। बाकी जो भी वैष्णो देवी साइड, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, यही रोड है सीधा डायरेक्ट ना, जो दिल्ली लेके आता है। मैंने एंटर होते ही, ये तो दिल्ली के अंदर आ जाता है बाईपास, करनाल बाईपास भी बोल देते हैं इसको। यहीं आगे जाके वो किसान बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे ना, अब तो उठ गए हैं, लेकिन आपको पिछले ब्लॉग में पता लगा ही होगा योगिता के थ्रू कि क्या नाम है, पंजाब में भी दोबारा से आंदोलन शुरू हो गया, सिर्फ पंजाब पंजाब में, जिस वजह से सारी ट्रेनें रद्द हो गई थी। इस वजह से मम्मी जी ट्रेन पर नहीं आ पाए, उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, इसीलिए बस पर आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं जहाँ बस का स्टॉप है, ढूंढता हूँ कहाँ पे है, वहाँ से मम्मी जी के लिए लेता हूँ मम्मी को। पहुँच गए स्टैंड पे, आएगी यहीं पे, बसेस आती हैं सारी ना। यहाँ की है ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, हमारी है ना, ये देखो ये पहाड़ी है ना, अभी तो विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि लाइट है नहीं ना बिल्कुल भी, अब रात हो गई है। तो हमारे गांव से कोई भी आता था ना रात को, अगर आता था और यहाँ उतरता था, तो वो सब यही कहते थे यार ये दिल्ली में पहाड़ी कहाँ से आ गई, दिल्ली कब से पहाड़ी इलाका हो गया। हम उन्हें ना दिन में दिखाते थे ये है क्या, एक्चुअली ये क्या है, ये सारा कूड़ा है, ये कूड़े इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया कि ये पहाड़ी लगता है, पूरा पहाड़ी बन गया, कूड़े का पहाड़ हो गया ये। मम्मी है, देखते हैं है कि नहीं, चलो मैं देख लेता। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, ठीक हो? मेरे लिए तो गेट
खोल लेते यार। अच्छा आ गए वैसे टाइम से। यार सुनो इसको तो ओपन कर लो। दो लो। लो अब हमारे चैनल पे अनबॉक्सिंग भी आ गई, वो भी देसी तरीके से, प्रोफेशनल तो है नहीं। ये लो ये निकला है। चलो डांसिंग के ये कहाँ से होगा मैं। अरे व्लॉगिंग कैसी चल रही है? ओ योगिता मैडम मेरी बेटी को परेशान मत करियो। अबे तू मेरी बातों को रिपीट क्यों कर रहा है? यार तैयारी कर रही हूँ ऊपर जाने की, हमारा बेडरूम ऊपर है ना, तो आज मम्मी आ गए हैं तो हम ऊपर सोएंगे। ओ भाई सारा सेटअप नीचे कर रखा था, मम्मी गई हुई थी गाँव, नीचे ही सोते थे, मम्मी आ गई हैं, अब चलो भैया ऊपर अपने बेडरूम में। हालत ख़राब हो जाएगी है, पता नहीं कितना सामान यार, बच्चे के कपड़े क्या ये क्या वो क्या, बड़े सामान यार। मम्मी ठीक है फिर, गुड नाइट, ताला लगा लेना यार प्लीज़ ध्यान से। ठीक लगा लोगे ना? ठीक है लगा लूँगी, जाओ आप। ठीक यार ये देखो मेरे बाल, पूरा दिन तो मैं भूल गई आपको दिखाना, जो मैंने मास्क किया था ना उससे देखो ये रिजल्ट आया है, ऐसे हो जाते हैं बाल। यार अब नीचे से ऊपर आए हैं, सारा सामान अलमीरा में सेट किया है, अब सोने लगे हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट बाय बाय। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है? टिल देन बाय बाय।